सकता हूँ। अभी भी मैंने इसको लगाया हुआ है, अभी फ्रिक्वेंसी टेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पर शो करेगा जी। ठीक है, ये देखें इसने टूट किया यहाँ पर, ये अभी सारी बटनों की ये फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है। ठीक है, ये सारे बटनों की फ्रिक्वेंसी काम कर रही है। ठीक है, यानी कि रिमोट हमारा सिग्नल बिल्कुल दे रहा है, ये रिमोट आई होप जी मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल हैरियत से होंगे। आप तमाम सबको स्नेह चैनल फॉल्ट फिक्स विद हमजा पर वेलकम करता हूँ। मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं जी, ये टोयोटा टुंड्रा 2007 मॉडल ये गाड़ी है। अब गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इसमें, एक तो इसकी ये आप देख रहे हैं जी ABS एयरबैग की लाइट ऑन है, और कस्टमर जिस प्रॉब्लम के लिए लेके आया मेरे पास गाड़ी वो ये है कि इस गाड़ी का जो रिमोट है वो काम नहीं करता। ये आप देख रहे हैं, ये इसका रिमोट है लेकिन ये काम नहीं करता, और ये प्रॉब्लम हम इस वीडियो में सॉल्व करनी है जी। और गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं जी मेरा स्कैन टूल, इसमें आप देखेंगे तो ये गाड़ी मैंने डायग्नोज की हुई है। तो यहाँ पर कोड आया हुआ है B1242 वायरलेस डोर लॉक ट्यूनर सर्किट। अब इस कोड पर B1242 पर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो, मेरे ख्याल से 3 से 4 वीडियो बनाई हुई हैं, एक RAV4 पर है मेरे ख्याल से, दूसरी कैमरी पर है, एक क्रोला पर है, वो मेरे पुराने चैनल जो फॉल्ट कोड विद हमजा था उस चैनल पर मेरे पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, वो मेरे पुराने चैनल पर पड़ी हुई हैं, इस चैनल पर ये पहली वीडियो है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मुकम्मल डायग्नोज करेंगे और देखेंगे कि ये जो एरर आ रही है किस वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसका तरीकाकार क्या होता है जी, मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा, लेकिन फिर दोबारा से ये टुंड्रा तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। तो चलते हैं जी इसको चेक करने के लिए, तो यहाँ पर जाना है हमें स्पेशल फंक्शन में जाएँगे और यहाँ पर हम डोर को चेक कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। देखिए वायरलेस डोर लॉक डायग्नोज मोड, यहाँ पर हमने डायग्नोज मोड चेक करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसको ओके करेंगे, अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ। द फॉलोइंग फंक्शन यूज टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंडीशन, अब वो कह रहा है कि ये हो सकता है इफ़ ए वायरलेस रिमोट इज़ करंटली रजिस्टर्ड इफ़ द व्हीकल इज़ रिसीविंग सिग्नल फ्राम द रिमोट। अब हम इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रिमोट है ये रजिस्टर है और ये सिग्नल जो है ये रिमोट देता है ये इसके एल्टीने को रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है डायग्नोज मोड में, इसको ओके करेंगे और यहाँ पर वो आगे बताएगा कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। वो बटन हम प्रेस करेंगे और वो हमें बताएगा, तो अभी ये कम्युनिकेशन कर रहा है उस सर्किट के साथ। अगर सर्किट यहाँ पर ये कम्युनिकेशन होगी तो फिर मैं आपको आगे चेक कराऊंगा, नहीं तो फिर वो स्टेप वाइज सबसे पहले हमने सर्किट चेक करना है इसका डायग्राम का कि कहाँ कहाँ सप्लाईज जा रही हैं और कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, देखें यहाँ पर लास्ट कम्युनिकेशन व्हीकल प्रेस ओके रीस्टार्ट इशू एंड रिटर्न टू टॉप करंट फीचर, तो ये हमारा डायग्नोज मोड काम नहीं किया, यानी कि हमारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। रीड फॉल्ट कोड करेंगे तो ये फॉल्ट मैंने आपको जो चेक कराया इसमें फॉल्ट ये आ चुका। ठीक है, B1242 का, तो अब चेक करते हैं जी इसमें। इस सबसे पहले मैं आपको इसका सर्किट चेक कराता हूँ कि इसका सर्किट कैसे काम करता है, यानी इसका जो सिस्टम है कैसे काम करता है, फिर वो इससे सारे सर्किट को सारे सिस्टम को चेक करेंगे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में क्लियर करें। अगर कोई इसमें बड़ी प्रॉब्लम जो इसका सामान वगैरह जो है अगर वो हमें चेंज ना करना पड़ा, क्योंकि अक्सर मेरी लोकेशन ऐसी है कि ये सामान गाड़ी को नहीं मिलता तो अक्सर दूर से लेके आना पड़ता है और फिर मैं बाद में नेक्स्ट पार्ट बनाना पड़ जाता वीडियो का। तो सबसे पहले चलते हैं सर्किट चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें हमारा क्या इशू हो सकता है। पर मैंने सर्किट इसका निकाला हुआ है और एडवांस में माजरत करता हूँ, बैकग्राउंड में पीछे साउंड आ रहा होगा क्योंकि मैकेनिक्स काम कर रहे हैं तो उस वजह से बैकग्राउंड साउंड है साथ में। तो चलते हैं जी अपने एरर पर, B1242। ठीक है जी, ये हमारा एरर आ रहा है और यहाँ पर वायरलेस डोर लॉक ट्यूनर सर्किट माल फंक्शन। अब ट्यूनर सर्किट माल फंक्शन जो इसका है वो इसका डोर लॉक का रिसीवर है। ठीक है, अब अगर रिमोट का प्रॉब्लम होता तो फिर हमारा ये एरर नहीं होना, लेकिन मैं रिमोट को भी आपके सामने चेक करूँगा। दो तरीके हैं आपके पास, अगर कोई छोटा सा भी ये चेक करने वाला ट्रांसपांडर चेक करने वाला तो वो रिमोट की फ्रिक्वेंसी वगैरह आपको टेस्ट कर देगा, तो उसके लिए एक छोटा सा टूल मेरे पास है VVDI मिनी, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो आप एक लाजमी लेके रखें, तो उसमें ये टेस्ट भी कर दें इसको। और बाकी जो है हम यहाँ पर इसकी कंडीशन वगैरह चेक करेंगे, देखें वो इसका जो सिग्नल है कैन नॉट बी रिसीव फॉर 1 सेकेंड, यहाँ पर वो जो हमारा सिग्नल है वो हमारा रिसीव नहीं हो रहा रिमोट का, और जो इसका ECU है रिमोट का उससे सिग्नल नहीं जा रहा, इसका बॉडी कंट्रोल ECU है जिस वजह से हमारा एरर आ रहा है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं, हॉर्नेस एंड कनेक्टर है। ठीक है जी, यहाँ पर कनेक्टर भी हमारा हो सकता है, वायरिंग भी हो सकती है, और दूसरा डोर कंट्रोल रिसीवर है। अगर डोर कंट्रोल रिसीवर प्रॉब्लम करेगा तो फिर भी सेम एज इट प्रॉब्लम आएगी, और तीसरे नंबर पर जो मेन चीज़ आती है वो मेन बॉडी ECU है, और ये तकरीबन टोयोटा रिलैक्सिस की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब में इसकी वायरिंग सेम ही आती है। ठीक है, वायरिंग मैं आपको सामने शेयर करता हूँ जी, वायरिंग इसकी सेम ही है। तो यहाँ पर इसकी जो डायग्राम है ये मैं आपको चेक कराता हूँ, डोर कंट्रोल रिसीवर। ठीक है, एक नंबर पर ग्राउंड है, 5 नंबर पर हमारा फ्रॉम बैटरी है। ठीक है, प्लस आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है, प्लस जिधर लिखा हुआ है ये ऑलवेज करंट आती है। और यहाँ पर 2 जो वायरें हैं इसकी, ये आप देख रहे हैं 2 और 3 नंबर यहाँ पर
12 नंबर और 10 नंबर पर जा रही हैं, ये हमारा BCM में जा रही हैं। दो वायरें हमारी कम्युनिकेशन की वायरें जो BCM से डोर कंट्रोल ECU जो हमारा सिग्नल लेके आती जाती हैं, ठीक है। ये मेन बॉडी जो ECU है, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल सा सर्किट है, चार वायरों का हमने चीज़ें चेक करनी है, चार वायरों की और चीज़ें चेक करनी है कि ये प्रॉपर आ रही हैं और नहीं आ रही है। अब वायरें किस किस जगह पर लगी हुई हैं ये फिर नेक्स्ट जो बड़ी डायग्राम है उसमें नज़र आएगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसका सर्किट समझाने के लिए ये डायग्राम ओपन की और यहाँ पर मैंने आपको चेक करा दिया कि किस तरीके से हमारा ये सर्किट सारा काम कर रहा है, ठीक है जी। तो चलते हैं जी, इसको डायग्नोज करते हैं और देखते हैं कि हमारा डोर कंट्रोल किधर लगा हुआ है और सप्लाईज उसमें आ रही है या नहीं आ रही है, सारा डायग्नोज करते हैं, चेक करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका रिमोट टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये रिमोट भी हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो हमारा अल्टीने का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा BCM के साथ और बाकी ये रिमोट भी हमने चेक करना है कि ये भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि दो प्रॉब्लम हो सकती हैं, एक ये भी हो सकता है और हमारा BCM में भी इशू हो सकता है और ट्यूनर सर्किट। बड़ा सा टूल है VVDA मिनी, ये एक लाजमी रखे मेरे पास, दूसरा भी है एक इससे बड़े वाला भी, लेकिन ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने छोटी रिमोट चेक करने के लिए, ट्रांसपॉन्डर वगैरह चेक करने के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ़ोन से इजीली कनेक्ट हो जाता है, ये भी ऑन हो गया, मैं इसको अपने फ़ोन से पेयर करता हूँ और फिर मैं आपके सामने इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो टेस्ट करके आपको चेक कराता हूँ। मेरे ये फ़ोन के साथ OBD के साथ कनेक्ट है, वो मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये टेस्ट करके चेक करा सकता हूँ। अभी भी मैंने इसको लगाया हुआ है, अभी फ्रिक्वेंसी टेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पर शो करेगा जी, ठीक है। ये देखें, इसने टूट किया यहाँ पर, ये अभी सारी बटनों की ये फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है, ठीक है। ये सारे बटनों की फ्रिक्वेंसी काम कर रही है, ठीक है। यानी कि रिमोट हमारा सिग्नल बिल्कुल दे रहा है, ये रिमोट बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब हमने इस रिमोट से ये हमें टेस्ट हो गया कि ये हमारा रिमोट बिल्कुल ओके है। अब हमने चेक करना है वो हमने अपनी करंटें चेक करनी है। आप बहुत सारे फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रांसपॉन्डर चेक कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस सिस्टम से कर सकते हैं। चलते हैं अपना जो इसका रिसीवर लगा हुआ है सबसे पहले वो आपको चेक कराता हूँ किधर लगा, उसकी लोकेशन क्या है। ये जी वहाँ पर यह डबल कैबिन गाड़ी है, तो यहाँ पर पीछे वाली सीट इसकी खोलेंगे। ये मैंने कुछ खोला हुआ सामान यहाँ पर, ये आपने खोल लेना, ठीक है। और ये इसकी ये आप पीछे कवर करेंगे तो ये हमारा जी लगा हुआ है रिसीवर, ठीक है। ये रिसीवर लगा हुआ है, मैं लाइट ऑन करता हूँ ताकि आपको यहाँ पर नज़र आ सके। तो ये इधर रिसीवर, तो यहाँ पर हमने अपनी सप्लाईज चेक करनी है, ठीक है, और सिस्टम सारा चेक करना है। ये देखें इसमें पानी गया हुआ है मेरे हाथ से, बहुत ज़्यादा कचरा है इस गाड़ी में ना, तो पानी की वजह से भी इसमें वाटर डैमेज भी हो सकता है और भी कुछ इशू हो सकता है। तो चलते हैं सारी सप्लाईज वगैरह इसकी चेक करते हैं और वायरिंग सारी इसकी चेक करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, यहाँ पर हम इसकी सप्लाईज चेक करेंगे सारी। मेरा अग्निशन ऑन है, ये आप देख रहे हैं, ये इसलिए ऑन किया है जिसके ताकि जो सिग्नल वायर्स हैं उनमें हमारी जो कोई सप्लाईज आनी है वो चेक हो सके। एक नंबर पर हमारा ग्राउंड है, सबसे पहले हम ग्राउंड चेक करेंगे। ये मैं अपना टेस्टर लगा रहा हूँ जी, एक हाथ में मेरे असल में कैमरा, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ग्राउंड आ रहा है, दैट्स ओके। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे जी अपना 3, 4, 5 नंबर पर अपना सप्लाई चेक करेंगे कि हमारी करंट आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि ये यहाँ पर हमारी करंट आनी चाहिए, डायरेक्ट करंट आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लगाया हुआ और यहाँ से चेक करेंगे टनल 0/0, कोई करंट नहीं आ रही, ठीक हो गया। एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि इसमें 5 नंबर पर हमारी सप्लाई नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद हमने चेक करना है जी यहाँ पर, सॉरी 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर, इसमें एक इनपुट की और एक आउटपुट की वायर है, एक में वोल्टेज आएंगे और एक में नहीं आएंगे। तो एक में 11 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी BCM से हमारी सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आउटपुट की जो वायरिंग है ये लगेगी, हमारा मॉड्यूल लगेगा तो यहाँ पर फिर शो होता है अक्सर। तो यहाँ पर इस पर भी मैं आपको चेक कराता हूँ, तो ये देखें 0 वोल्टेज है, ठीक है। अब दो BCM की दो वायरें हैं, एक में 11 वोल्ट आ रहे हैं और दूसरी 0 है, ठीक है, वो आउटपुट की वायर है। जब हमारा ये काम करेगा तो फिर ये चलेगा। ये मॉड्यूल है इसका, मैंने खोला हुआ था तो इसमें कोई कचरा वगैरह तो पानी तो नहीं गया हुआ, ठीक है, ये क्लीन है बिल्कुल। अब यहाँ पर हमारी एक सप्लाई मिसिंग है, तो सबसे पहले इसकी सप्लाई जो जिधर से आ रही है वो चेक करते हैं, शायद इसका फ्यूज़ ख़राब है या क्या ख़राब है, वो चेक करते हैं, उसको ठीक करते हैं और बाद में देखते हैं। हमारा फ्यूज़ है, ये देखेंगे ECU B का ये 1 का फ्यूज़ है, 7.5 एम्पीयर का फ्यूज़ लगा हुआ है और ये यहाँ पर 3-4 जंक्शन से होकर हमारा ये इसमें आ रहा है, देखें डोर कंट्रोल में। 1 नंबर पर ग्राउंड, 5 नंबर पर हमारा ये और 2 वायरें BCM में जा रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सप्लाई इधर लेके आनी है और फिर देखने के ये दोनों वायरें ये प्रॉपर काम करता है या नहीं करता, पर हमने फ्यूज़ चेक करना है। और सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोज़, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी आपको डायग्नोस्टिक के रिलेटेड और मुख्तलिफ ब्रांड के ऊपर आपको इसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी।
तो काइंडली ये रिक्वेस्ट है, ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, इस चैनल को लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ, इसमें कोई आपको पैसे वगैरह नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ फ्री, और ये सदका जारी है रब की रज़ा के लिए, फ्री आपके दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर करता हूँ। तो आप भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। तो यहाँ पर जी ये हमारा फ्यूज़ है जी ECU-B का, देखें यहाँ पर ECU-B का 7.5 एम्पीयर का ये फ्यूज़ है, और ये किधर लगा हुआ है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है, ये नीचे एक डोम का फ्यूज़ है, ऊपर ये इसका वायरलेस का फ्यूज़ है। देखें यहाँ पर 12 ओके हैं, यहाँ पर भी 12 ओके हैं, यानी कि फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ठीक है, फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पर फ्यूज़ ओके है। अब हमने इसकी जो लाइन है सारी वायर की वो चेक करनी है कि वो कहीं से वो ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अगर फ्यूज़ ओके है तो इसका मतलब यही है कि यहाँ से करंट जा रही है आगे, लेकिन वहाँ रिसीवर तक हमें नहीं पहुँच रही, तो हमने सारा कनेक्टर वगैरह वो चेक करने हैं। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, ये हमारा ग्रे ग्रिप है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पिंक कलर की आ रही है और रेड कलर की वायर निकल रही है, ठीक है, ये वायर जो है हमारी पीछे जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ इसको, इसको उतारते हैं, ये पानी में गाड़ी गई हुई थी, तो यहाँ पर देखते हैं जी, तो ये कार्बन इसमें बहुत ज़्यादा आया हुआ है जी, इधर भी है कार्बन और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इधर भी कार्बन आया हुआ है, इसी वायर में आया हुआ है, जो हमारी वायर करंट वाली इसी वायर में हमारा आया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं सप्लाई हमारी पीछे से आ रही है या नहीं आ रही है, अगर वो पीछे से आ रही है तो ये पिन हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर इसकी सफाई करके इसको लगा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं जी इसको टेस्ट करते हैं पहले जी, तो यहाँ पर हम अपना चेक करेंगे, ठीक है, एक नंबर पर, तो यहाँ पर तो ये आ रही है, ठीक है, यानी कि हमारी सप्लाई ठीक है, इधर आ रही है। अब आउटपुट, अब ये दोनों पिने या तो बाईपास करेंगे या रिप्लेस करेंगे, ये कोई भी आप कनेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीनर ले लें, ठीक है, उसको इसको अच्छी तरह क्लीन कर लें, ठीक है, क्योंकि मेरी वायरें ठीक हैं तो मैं इसको जस्ट क्लीन करूँगा, ठीक है। तो दोनों वायरें अच्छी तरह क्लीन करके लगाते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ये वायरें ठीक है, डैमेज नहीं है, अगर खींचने से टूट जाए वायरें तो फिर डैमेज है, अगर वो इस तरीके ना हो सिर्फ कार्बन आया हो तो फिर वो आप क्लीन करके भी इसको लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह क्लीन करता हूँ, साफ़ करके लगाते हैं और फिर देखते हैं, इसको क्लीन करके इसको लगा दिया, अभी चेक करते हैं जी इसको। तो यहाँ पर जी सप्लाई ओके आ गई है जी, तो वहाँ से आउटपुट निकल रही है लेकिन यहाँ पर हमारी सप्लाई नहीं आ रही, ठीक है। तो ये रास्ते में कहीं वायर इसकी डैमेज है जी, तो ये देखने के किधर से हमारी वायर डैमेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारी वायर डैमेज है, यहाँ पर अभी भी करंट नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन वहाँ से आउटपुट वो आ रही है। तो ये अभी सारा हमें खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वायर हमारी किधर से डैमेज है, सही है। तो ये देखें इधर से ये सारी वायरिंग जा रही है और देखते हैं अभी ये वायरिंग किधर जा रही है। पर देखें इसमें मेरे ख्याल से चूहा गया हुआ था, चूहा, और उसने ये वायरें सारी काटी हुई हैं, ये देखें ये उसके ट्रेसेस हैं इस तरह के, जब भी आप गाड़ी में देखें ये देखें ये उसने काटी हुई हैं, ये चूहे ने काटी हुई हैं। तो इसमें भी माउस गया हुआ था जी, उसने यहाँ पर इसका कुछ काम ख़राब किया हुआ, तो अभी देखते हैं जी यहाँ पर कहाँ कहाँ पर उसने काम और ख़राब, मैंने इसको खींचा है तो ये वायर यहाँ से कटी हुई है, ठीक है। तो ये अब खोलते हैं इसको दोबारा और ये वायरें जो है इसको ठीक करके लगाते हैं और फिर इसे सप्लाई चेक करते हैं जी। ये गाड़ी असल में पानी में भी गई हुई है और दो चीज़ें इसके साथ हुई हैं, एक तो इसमें पानी गया हुआ है और दूसरा इसमें चूहा गया हुआ है, तो दोनों वजह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो गया। अभी तो मैं वायर में कनेक्ट करता हूँ जी, तो देखते हैं इंशाल्लाह इसको। अभी वायरिंग का काम करें तो सोल्डरिंग लाजमी की है, अभी सोल्डरिंग कर दी है, तो अभी लगाते हैं जी वायरिंग को सारी को और फिर देखते हैं। यहाँ से ओके हो गई है, अभी चेक करते हैं सप्लाई अपनी। तो यहाँ पर जी पिन मैंने लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं तो रेड वायर में 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम ये इसका रिसीवर लगाते हैं और देखते हैं। इस बार मेरा इग्निशन ऑन है, ये जो हमारा एरर आ रहा था इसको सबसे पहले मैं इधर से क्लियर करता हूँ जी, यहाँ से क्लियर ओके, तो ये जी एरर इज़ गॉन। दोबारा चेक करेंगे इसको, रीड फॉल्ट कोड, तो नो DTC, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अभी जी मैं इसको बंद करूँगा, अब इसको टेस्ट करते हैं। दरवाज़ा मैं इसका खुला हुआ तो ऑफ करता हूँ, क्योंकि दरवाजे सारे बंद होने चाहिए, दरवाजे की लाइट वो चली गई है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ इसको जी, ये जी हमारा रिमोट है, लॉक जी लॉक हो गया, अनलॉक अनलॉक हो गया, ठीक है, लॉक लॉक एक मरतबा करेंगे तो सारे लॉक हो जाएंगे, सही है, दो एक बार करेंगे तो ये सिर्फ खुलेगा और सेकंड मरतबा करेंगे तो ये सारे खुल जाएंगे, ठीक है, वो देखें वो भी खुल गया। तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर काम कर रहे हैं और गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। और जो हमारा एरर आ रहा था दोबारा चेक कर रहा था, अग्निशन ऑन, यहाँ पर BCM, ये BCM में डायग्नोज मैंने किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं तो एरर इज गॉन।
आई होप जी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने मुकम्मल कोई भी स्टेप आपसे मिस छुपाया नहीं है, यानी कि होता है ना कि कुछ बंदे कवर कर लेते हैं अपने लिए या कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं ताकि मुकम्मल वीडियो अपलोड ना हो, तो मैं ऐसा कभी भी मेरी वीडियो में नहीं होता। हाँ, वीडियो के सीक्वेंस यानी एडिटिंग में कुछ आगे पीछे हो जाता है अक्सर औकात। मेरी एक वीडियो में कंप्लेन, मुझे एक कमेंट, अभी तक मैंने 700 प्लस वीडियोज़ बनाई हैं तो एक कमेंट में मुझे एक दोस्त ने कहा था कि आपकी ये वीडियो सीक्वेंस में नहीं, समझ नहीं आ रही कैसे कैसे कौन सा स्टेप है। तो वो एडिटिंग में एक आदमरतबा हो गया था ऐसा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी स्टेप आपसे छुपाऊँ ना, क्योंकि ये अल्लाह की रजा के लिए है। अगर हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, खुदा को राज़ी करेंगे, तो इंसान ऑटोमेटिक राज़ी हो जाएंगे। कुछ दोस्त राज़ी भी नहीं होते, कुछ लोग इससे भी खफा हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें खुद को बता दें तो फिर हर बंदा घर में ठीक कर ले। तो ऐसा नहीं है, मेरा ये मानना है कि जिसके हिस्से में जितना रिजक लिखा हुआ है उतना उसको लाजमी मिलेगा। तो इससे आप बेफिक्र रहें, आप जहाँ भी काम करें आपके पास जो काम आना है वो आना ही आना है, वो जो आपके हिस्से के पैसे हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी जी वीडियो, आई होप ये वीडियो में थोड़ा चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ, इस तरह की मेरा बनाता नहीं हूँ इस तरह का, मैं आप देखते हैं मैं शुरू से स्टार्ट कर देता हूँ, कोई उसमें लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधता, लेकिन अक्सर औकात ये बताना पड़ता है आप दोस्तों को कि ये वीडियो किस मकसद के लिए बनाए जा रहे हैं। तो खुद भी देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।